तो टेस्ट तो आएगा। दुनिया तो जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को परखा जाएगा, और फिर वो हिकमत बेहतर अल्लाह ही जानते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ने सलूशन बताया है कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है। जाहिल लोग जिन्हें हम कहते हैं, जाहिलूना का वर्ड है ना, खातबहुमुल जाहिलूना, जैसे अबू जहल की अगर बात की जाए तो बहुत तेज़ ज़बान, जो जिसे कहते हैं कि ताने देने वाला और पॉइंट आउट करने वाला और बड़ी सख्त बातें करने वाला, बड़े बड़े ऐसी बातें करता था जो दिल पे तीर की तरह जाकर लगती थी। जैसे इब्ने मसूद रस्तलान हो, वो पूरा एक वाकया है कि इब्ने मसूद अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे, तो उसने वो घोड़े पर आ रहा था गली से और बड़े तकब्बुर के साथ आ रहा था, उसके हाथ में एक हंटर था, वो उसने मारा इब्ने मसूद के मुँह पर, उन्हें गिराया और कहा कि ये, और हंसने लग गया और कहा ये देखो इसकी टांगें देखो। वो इब्ने मसूद ज़ाहिर है वो कपड़े धोती टाइप पहना करते थे, तो टांगें पतली पतली थी इब्ने मसूद रस्तलान होगी, बाकायदा इसका जिक्र आता है। तो कहता कि ये देखो इसकी टांगें, ये गडरिया, ये शेफर्ड, ये गरीब आदमी, यानी ये डिग्रेडेड जलील आदमी, नाउज़ुबिल्लाह, इससे डराता है मैं मोहम्मद कि ये है मेरी आर्मी। देखें किस तरह की बात है, दिल में सीधा लगने वाली। और क्या सब्र सिखाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, खामोश रहे इब्ने मसूद। हालांकि कोई और होता वो वहाँ पर उठ के अच्छा खासा जो है वो हिट बैक करता। अबू बकर सिद्दीक साथ खड़े थे, अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें इशारा किया काम डाउन। तो एग्जैक्ट ये आयत उस वक्त उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट की। और बड़ा खूबसूरत वाकया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुशरिक थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो हज़रत उमर ने उनको हाथ दिया, इब्ने मसूद को यूँ हाथ दिया और उठाया और आगे चले गए। तो इब्ने मसूद ने कहा कि वल्लाही अल्लाह के नबी की दुआ तुम्हारे बारे में कबूल हो। तो हज़रत उमर एकदम रुक गए और उन्होंने पीछे देखा और उन्होंने कहा क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए और वो उसके लिए दुआ की है, तो तुम बेहतर हो, वल्लाही तुम दोनों रजुल में से, दोनों मैन में से तुम बेहतर हो। कितना खूबसूरत वाकया। तो ये अकासी करता है इस आयत की ये वाकया कि जब जाहिलून से तुम्हारा जो है वो, क्योंकि जाहिल आदमी आपको पता है जिसकी ज़बान तेज़ है उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। इमाम शाफ़ी का गालिबन कोट है कि मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। यू कैन नॉट डिफ़ीट अ पर्सन जो, लेकिन ये कि हम इसको अप्लाई कुछ ऐसे भी करते हैं कि कालू सलामा का मतलब ना, मतलब हम बकायदा ये आयत कोट कर देते हैं और हम उसको बकायदा चिढ़ाने के लिए ये आयत सुनाते हैं जिसको हम जाहिल समझते हैं, और फिर कहते हैं सलाम अलैकुम, ताकि वो चिढ़े भी, उसके दिल में छाके लगे कि तुम जाहिल हो। ये इम्प्लीमेंटेशन असल में नहीं है इस आयत की। इस सलामा से मतलब है वर्ड्स ऑफ पीस, वर्ड्स ऑफ डिग्निटी, ये इससे मुराद है कि डिग्निटी दिखाओ वहाँ पर, काइंडनेस दिखाओ वहाँ पर, खामोशी इख्तियार कर लो वहाँ पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यकीन करें, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने का, क्योंकि जो आपको बुली कर रहा है अगर आप ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे तो वो ज़्यादा चढ़ाई करेगा, क्योंकि उसे वो एक चांस मिल जाएगा कि ये तो इफ़ेक्ट भी हो रहा है। और हर बात का जवाब देना ये बिल्कुल भी वाइज विजडम नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें और हर बात पर परेशान हो जाएँ अगले के। देखिए सुफियान अस्सौरी ने कहा था कि इफ़ यू नो अबाउट योर सेल्फ यू विल नॉट बी हार्म बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आती है, ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इन पर बहुत बात की हुई है, चूँकि मेरा नफ्सियात में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन, इंटरनल वैलिडेशन वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। जो वीक पर्सनैलिटी है जिसको अल्लाह का तारुफ नहीं है वो एक्सटर्नल वैलिडेशन लेते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुराद है कि बाहर से वैलिडेशन लेते हैं, उन्हें बाहर से प्रेज चाहिए होती है। लेकिन जो मजबूत शख्सियत है जिसको अल्लाह का एक तारुफ हो जाता है वो इंटरनल वैलिडेशन लेते हैं, इंटरनल मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अल्लाह ने बनाया, मुझे अल्लाह ने अच्छा बनाया, मुझे अल्लाह ने क्वालिटीज़ दी हैं। और उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा होता है, कंपैरिजन में नहीं पड़ते। तो यही बात है असल में। तो बहरहाल ये बाकायदा अल्लाह ने टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने का एक क्राइटेरिया बताया और तारीफ़ की है कि अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे, सिफ्त कौन सी है, रहमान के बंदे, यानी ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है तो फिर उसके बंदे भी रहमान होने चाहिए, उसके बंदों को भी रहम करना चाहिए दूसरों पे। और इसको मैं कहता हूँ तबीब मेंटालिटी, ये बहुत हाई लेवल मेंटालिटी है। इस तक पहुँचने के लिए ज़ाहिर है कि एफ़र्ट तो बहुत दरकार है, और इस तक कैसे बंदा पहुँचता है,
रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ के, दिल को नरम करने वाली हदीस पढ़ के। देखे ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि बेशक खशियत वाले कौन हैं, जो इल्म वाले हैं। तो खशियत का इल्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इल्म से मुराद है अल्लाह के बारे में इल्म। तो कल ही भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि खशियत कैसे आएगी, मतलब मैं कैसे तकवे वाला बन जाऊँ। तो ये आयत मैंने सुनाई कि देखें, आप इस्लामिक लिटरेचर पढ़ें, ऐसा कुरान मजीद की आयत पढ़ें, दिल को नरम करने वाली। किताबुर रिकाक सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, हार्ट सॉफ्टनिंग अहदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें, उनका अखलाक। अखलाक की कितनी कमी है, अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा अलमिया है हमारा। हमारी कौम में अखलाक की बहुत कमी है, सख्ती बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि अगर आप नरम ना होते तो ये आपसे दूर भाग जाते, आपके पास ना बैठते। तो ये हुक्म दिया गया है। तो इसलिए तबीब मेंटालिटी, मैं इस मेंटालिटी को कहता हूँ कि जब आप अगले को इस लेवल का उसने जन देते हैं, आप इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस पे होते हैं अपने बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना अपने बारे में पता होता है कि ये बंदा जो इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मसला चल रहा है बेचारे का, बजाय कि आप अपने ऊपर लेने के, बजाय कि आप एकदम ये समझें कि ये मुझे अटैक कर रहा है, आप फौरन से ये ख्याल लाते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होगा। यही है तबीब मेंटालिटी। एक तबीब जो है वो हर एक को पेशेंट देखता है इन अ पॉजिटिव सेंस, और उसने जन देता है। और अंबिया की यही मेंटालिटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बद्दू ने चादर जो है वो इतनी ज़ोर से खींची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, चादर पीछे से यूँ खींची, उनके रैश पड़ गया गर्दन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े, मुस्करा कर देखा उसे और कहा क्या बात है। उसने इतनी सख्त बात की कि ऐ मोहम्मद, तुम इंसाफ नहीं करते, नाऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी कंपोजर से बात सुनी, हालांकि सहाबा ने तलवारें निकालनी थी कि हाउ डेयर ही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ये कह रहा है इसको दो और इससे भी ज़्यादा दो। और ये इत्तकान का लेवल है, एहसान से भी बड़ा लेवल है इत्तकान का। बिहेवियर्स के चार लेवल हैं। एक जुल्म, जुल्म है कि आप, ठीक है बदला जायज़ है लेकिन आप बदला ज़्यादा ले लेते हो, जुल्म, या जो करना चाहिए उससे कम कर रहे हो, जुल्म। दूसरा अदल, अदल ये है कि जो जैसा आपके साथ कोई चल रहा है वैसे चल रहे हो। तीसरा लेवल है एहसान, अदल से भी बढ़ जाते हो, अगले के साथ एहसान के लेवल पे चल जाते हो, जैसे अबू बकर सिद्दीक अपने रिश्तेदार को माफ़ भी किया, चैरिटी दोबारा देना शुरू कर दी। उससे भी नेक्स्ट लेवल है इत्तकान। चारों रवैये कुरान मजीद की आयात से साबित है। इत्तकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेवल, अंबिया का लेवल है। और इसकी मिसाल जो है वो एक टीचर मेरे दिया करते थे, इत्तकान ये कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, एक मिसाल है, तो आप उसको गले लगाओगे और आप उससे कहोगे कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है, खैरियत तो है, यानी ये इत्तकान का लेवल है। और अदल ये कि आपने भी आगे से एक लगा दिया, जो कि ठीक है, जायज़ है, इस्लाम एक रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है। तो अल्लाह एक्सपेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इबादुर रहमान कौन है, जो डिग्निटी वाले लोग हैं, जो कंपोजर वाले लोग हैं, जो डिसेंट लोग हैं। और सोशल मीडिया पे भी इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखें, हर किसी से बहस करना, बहस बराए बहस करना, ये अच्छी आदत नहीं है। इंसान में सब्र होना चाहिए।